गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एक और नए सेशन के साथ यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का सेशन आज फिर से क्रूड का है। हम लोग क्रूड को देखने वाले हैं और एक साथ में हम एक और कॉमोडिटी गोल्ड देखने वाले हैं आज। तो हम मैंने पहले से लेवल लगा के रखे हुए हैं, हम इन लेवल पर वर्क करने वाले हैं। देखते हैं हमारे लेवल हमें क्या बोलते हैं, ठीक है? देखते हैं हमारे लेवल हमें क्या बोल रहे हैं। हम पहले एक थोड़ा रफ मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि अभी क्रूड में हो क्या रहा है। देखिए, अगर मैं 5 मिनट में क्रूड लगाता हूँ, 5 मिनट में क्रूड लगाता हूँ, तो देखिए अभी अभी क्या हुआ है, फिलहाल क्या हो रहा है क्रूड के अंदर। अगर मैं 5 मिनट का क्रूड लगाता हूँ, तो 5 मिनट का क्रूड मेरे को जो है ये बता रहा है कि ये अगर मैं क्लाउड लगाए हुए हैं तो क्लाउड से बाहर निकल रहा है। क्लाउड से बाहर निकलने का मतलब ये है कि इसका एक डाउन मूव स्टार्ट हो सकता है, क्लियर? क्योंकि ऊपर गया था, देखिए आपने भी यहां पर चेक किया, अराउंड आपका 70 तक गया था, 80 तक मैंने इसको हाई बोला था, 80 तक हाई जा सकता है, और उसके बाद 80 तक हाई जाने के बाद वापिस से नीचे आया हुआ, ठीक है? तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका एक मूव, क्योंकि ये देखिए मैंने लेवल लगा के रखा हुआ है इसका, ये देखिए फिबोनाची लेवल मैंने लगा के रखा हुआ है, ये देखिए ये पिवोट से नीचे गिरा है और इस लेवल पे आके अभी इसी लेवल पर रुका हुआ है, मतलब इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिल रहे हैं। तो अगर इसको रिजेक्शन अभी एक दो बार और मिलते हैं तो हो सकता है ये एक नीचे डाउन मार जाए, और इसका नीचे का मूव कहां तक होगा, मैं इसका मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3872 तक, पहला मूव जो है 3872, और इसके बाद जो मेरा दूसरा मूव है वो आपका 3821 तक मैं इसको वेट कर रहा हूं कि शायद इतना आ जाएगा। तो हम लोग अपना जो ऑर्डर लगा के रखेंगे वो थोड़ा नीचे लगा के रखेंगे। मैंने तो और भी नीचे लगाया हुआ है ऑर्डर, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि ये नीचे कहीं और गिर सकता है। देखिए नीचे इसका जो लेवल मेरे को अराउंड 748 का लेवल मिल रहा है, और मैंने अपना ऑर्डर कहां पर लगाया हुआ है, देखिए अभी लेवल ब्रेक हो रहा है ये, और मैंने अगर अपना ऑर्डर लगाया हुआ है तो देखिए कहां पर लगाया हुआ है, 756 पर, 48 पर है, 48 से मैंने थोड़ा बढ़ाया हुआ है, और ये 56 तक मेरे को मिल जाए तो मेरे को अच्छा होगा मेरे लिए। देखिए मेरे आज के ट्रेड्स भी आप चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है? आज के ट्रेड है, और पोजीशन भी आप मेरी चेक कर सकते हैं। देखिए मेरी पोजीशन है, लाइव है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइव चल रहा था पूरा का पूरा मॉर्निंग से अभी तक मैंने जो काम किए हैं। देखिए इंडस बैंक ने मेरे को देखिए 35 रुपए का लॉस दिया था। गोल्ड में मैंने ट्रेड किए थे, गोल्ड में ट्रेड में देखिए मेरे को 420 का इसमें प्रॉफिट दिया था, और क्रूड में मेरे को 420 का प्रॉफिट दिया था। टोटल मेरा जो प्रॉफिट था ये आज का था, ठीक है? लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो चीज अलग थी, ये मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो लेवल है वो आपका एक डाउन का लेवल बन सकता है, और उसको हम कैसे देख रहे हैं। देखिए मैं हर एक टाइम फ्रेम में क्रूड को चेक करने की आज कोशिश कर रहा हूं कि मेरा टाइम फ्रेम क्या बोलता है। 5 मिनट में मैंने देखा कि 5 मिनट में ये एक कुमो ब्रेक कर रहा है नीचे, ये हमारे पास एक छोटा छोटा हमारा अंदाजा हमें लग गया। अब मैं इसको एक बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश कर रहा हूं कि 15 मिनट में चलिए क्या बोल रहा है, 15 मिनट में मैं इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूं क्रूड को कि 15 मिनट में क्रूड क्या कर रहा है। देखिए 15 मिनट में क्या हुआ, ये नीचे यहां से गिरा, यहां से गिरने के बाद ये इस लेवल तक गया और इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिल गया। देखिए पहले से मेरे लेवल लगे हुए हैं और इस लेवल से इसको एक रिजेक्शन मिला है, देख रहे हैं? ये एक लेवल से रिजेक्शन है नीचे, और हम चेक कर रहे हैं इसको 15 मिनट पर, चेक कर रहे हैं हम इसको। नीरज जी हमारे साथ हैं, ठीक है? हाँ जी नीरज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। चलिए एक दो चीजें हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग इसको म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से, हम रिकॉर्डिंग इस समय कर रहे हैं, तो मैं दो तीन चीजें बता रहा हूँ क्रूड के बारे में, आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए इसे, ठीक है? अभी देखिए हमने क्या किया है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे क्रूड का लेवल इस समय कहाँ जा रहा है, हम मोटे मोटे तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अगर 5 मिनट में क्रूड को देखा है तो 5 मिनट में क्रूड मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये कुमो ब्रेक किया है, 5 मिनट में क्रूड ने कुमो ब्रेक किया है, इसका मतलब नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, नंबर एक चीज। मैं जब इसको 15 मिनट में देख रहा हूं तो हमने ऑलरेडी एक लेवल लगा के रखा हुआ था, ये सारे लेवल 38.2 रिट्रेसमेंट में जो था फिबोनाची का, उससे इसको रिजेक्शन मिला है नीचे, क्लियर? और ये अभी कुमो के भी नीचे है, मतलब 15 मिनट एक बड़े टाइम फ्रेम में भी ये नीचे आ रखा है। अब मैं इसको और देखने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है,
अगर इस लेवल से ऊपर निकलेगा तो इसकी बाय बन सकती है, लेकिन अभी हम वेट करेंगे इसको थोड़ा सा, पहले समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। आप देखिए अगर मैं एक घंटे में इसकी बात कर रहा हूं तो एक घंटे में क्या हो रहा है, एक घंटे में आप देख रहे हैं कि मेरा पूरे लेवल्स लगे हुए हैं और मैं इसको एक घंटे में ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा इस समय जो क्रूड है वो कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्रूड क्या हुआ, इस लेवल से गिरा है नीचे, इस लेवल से गिरा है और इस लेवल तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये इस समय दोनों लेवल के बीच में, इसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा है, ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है ये तो इसके एक लेवल पर आने के चांसेस ज्यादा है, इस लेवल पर आने के चांसेस के ज्यादा होंगे। इसका मतलब मेरा इसका जो नया टारगेट होगा वो कौन सा हो सकता है, 3872, और इससे ऊपर इसका एक, ये देखिए इससे ऊपर एक सपोर्ट है इसका 3884 पर, और इस सपोर्ट के पास तक देखिए आज क्रूड आया भी था 3888 तक अराउंड, ये हमारा लेवल भी था पहले का एक, ठीक है आपको मैं चेक कराता हूं अभी। और देखिए हमारा इससे नीचे आपके पास है 3884 पर इसका एक सपोर्ट है, तो हो सकता है यहां तक आ जाए। देखिए नीचे चलने की कोशिश कर रहा है, हम क्रूड को बिल्कुल सोच समझ के लेने वाले हैं, सोच समझ के हम लेने वाले हैं अभी क्रूड को, हम बाय पोजिशन लेंगे लेकिन सोच समझ के, अभी एकदम से नहीं लेंगे हम, ठीक है। हमें बायर सेलर भी देखने हैं, यहां पर अगर मैं बायर सेलर का रेशियो देखता हूं तो देखिए 20 और 22 बायर सेलर वापस हमारे वैसे ही हो रहे हैं जैसे कल थे, कल गिरा जब क्रूड, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो रखे हैं इस समय। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि नीचे कहां तक क्रूड आ सकता है, हम तब क्रूड की पोजिशन बनाएंगे, ठीक है। और अब मैं अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में इसकी बात करता हूं, ये मैंने एक घंटे में देखा है, अब मैं अगर इसको देख रहा हूं एक दिन, चार घंटे में चेक करते हैं, चलिए पहले मैं देखना चाह रहा हूं कि चार घंटे में क्या हुआ, ये मेरा चार घंटे में क्रूड में तो क्या हो रहा है। देखिए चार घंटे में यहां पर क्या हुआ, चार घंटे में ये मेरे पास एक लेवल था ऊपर, देखिए अराउंड 70 का, यहां से ये ऊपर चलने की कोशिश की, क्लाउड से बाहर निकलने की कोशिश की, चूंकि आपके पास ये फ्लैट सरफेस था, ये देखिए पूरा फ्लैट सरफेस था ये, मैं और पास में करके दिखाता हूं आपको, ये पूरा एक फ्लैट सरफेस था और फ्लैट सरफेस से मैंने आपको बताया है कि रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन मिलता ही है, और देखिए यहां से इसको रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिलके कहां तक पहुंच गया आपका 908 तक। हमारा लेवल कौन सा है अभी, देखिए अभी हम इसको बाय नहीं कर रहे हैं, हमारा लेवल कौन सा है, लेवल हमारा नीचे है यहां तक 83 तक का कम से कम लेवल है, और अगर उससे नीचे गिराइए तो एक बड़ा हमें डाउन दे सकता है। अब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में एक दिन में चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन में यहां पर क्या हो रहा है, क्रूड में एक दिन में हमारे पास क्या हो रहा है। अब देखिए क्रूड हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है थोड़ी देर में, अगर इसने, देखिए ये आपका ये क्लाउड है, क्लाउड का ऊपर इसको रिजेक्शन मिला है, अगर ये नीचे आता है, नीचे का मतलब इसका लेवल ये है, देखिए इसका पिवोट कहां पर है, ये 900 पर है, और देखिए 900 के आसपास ही घूम रहा है, तब से पिछली बार भी यहां पर देखिए अप कर गया, यहां पर भी ये अप कर गया और अभी ये नीचे आ रहा है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत कहां पर है, हमारे साथ दिक्कत जो है वो है नीचे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब क्लाउड ऊपर बस्ट कर रहा था, जब क्लाउड ऊपर बस्ट कर रहा था तभी मैंने आपको समझाया था कि अगर क्लाउड ऊपर बस्ट होगा तो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि उसके बाद ये आपके पास 230 तक गया है ऊपर, और अब हम दोबारा से क्लाउड बस्ट की बात कर रहे हैं, और ये क्लाउड बस्ट जो आपके पास है अब की बार नीचे की तरफ है, अब की बार जो क्लाउड बस्ट है वो नीचे की तरफ है, और वो क्लाउड की आपके पास लाइन कहां पर आ रही है, ये वाली देख रहे हैं, और इससे अगर नीचे बस्ट हुआ तो इसके नीचे हो सकता है आपके पास एक ये वाला डाउन आपका ले ले, क्योंकि आपको पता है क्रूड कभी भी कितना भी जा सकता है, ठीक है उसका आपको भी नहीं पता होता। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी ये वाली लाइन कौन सी कितने पर आती है, मैं देख रहा हूं कि मेरी ये वाली लाइन जो है, मैं इसको डाउन कर लेता हूं, मेरी ये वाली जो लाइन है वो अंदाजन 711 पे आती है, 709 पे। इसका मतलब अगर ये क्लाउड बर्स्ट होता है, अगर ये क्लाउड बर्स्ट होता है तो हमारे कुछ लेवल्स लगे हुए हैं, इन लेवल के बेस पर क्रूड नीचे गिर सकता है, क्लियर। हम अभी वेट कर रहे हैं, हो सकता है, जरूरी नहीं कि क्लाउड बर्स्ट हो, ये कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ऊपर ये पिवोट है इसका, 900 पर पिवोट है, अगर ये पिवोट का सपोर्ट ले गया तो वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर इसने पिवोट का सपोर्ट नहीं लिया और इसको ब्रेक कर गया कुमो को, तो एक लंबा डाउन हमें देखने को मिल सकता है, और वो शायद डाउन आपका 700 तक आ सकता है नीचे,
ठीक है, तो हम वेट करेंगे। वैसे इसके लो भी हमारे पास हैं, ये लो भी है हमारे पास जहां से क्रूड वापस जा सकता है, पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी हम इसको क्रूड को नहीं ले रहे हैं, हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 21 और 22 सेलर बायर वहीं पर चल रहे हैं, यहां पर अभी हमें लेके फायदा नहीं है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक सेटअप और भी है मेरे पास, एक सेटअप और भी है मेरे पास जो हम मैं अक्सर यूज कर लेता हूं, मैं दिखा देता हूं आपको, ये क्रूड ले लेता हूं मैं, क्रूड के साथ ही हम चलेंगे, क्रूड अक्टूबर, और ये भी मैं क्रूड अक्टूबर ले रहा हूं, ये दोनों मैंने लिए हैं, और इस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हम इसको कैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको कैसे देख रहे हैं, ये चार्ट आ जाता है, नेट थोड़ा स्लो है तो मैं आपको बताता हूं, कल से नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो जैसे चार्ट आता है मैं आपको दिखाता हूं, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बस्ट होने वाला है, हो सकता है कि क्लाउड बस्ट हो जाए नीचे की तरफ, क्योंकि इसने बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया है 75-70 से, एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आया हमारे पास। देखिए ये गोल्ड खुला हुआ है, चलिए गोल्ड देख लेते हैं, एक मिनट गोल्ड देख लेते हैं, ये आप गोल्ड के लिए मेरे को बोल भी रहे थे क्यों नीरज जी, हाँ जी चलिए गोल्ड के लिए पहले गोल्ड ही देख लेते हैं, हाँ जी चलिए गोल्ड देख लेते हैं हम लोग पहले, गोल्ड देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है, मैं गोल्ड को ऐसे नहीं ऐसे लगाता हूँ गोल्ड को, एक मिनट गोल्ड की पोजिशन, अगर कोई हमें अच्छी पोजिशन मिली तो हम लेने की कोशिश करेंगे, गोल्ड में नहीं। अब देखिए इसको मैं बड़ा करके एक बार लगाता हूँ, गोल्ड पे हम 5 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा मूव है। पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो गोल्ड है वो फिबोनैकी के किस रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, सब कुछ हम बाद में करेंगे, मैं पहले ये देख रहा हूँ कि मेरा फिबोनैकी का कौन सा रिट्रेसमेंट जो है वो मेरा ले रहा है, ये कहां तक ये क्रूड ये गोल्ड आ सकता है नीचे, तो मैं ये फिबोनैकी लगा लेता हूं, ये शायद मेरी फिबोनैकी लगी हुई है, पहले से लगी हुई है, चलिए नहीं लगाते इसको क्योंकि मेरी पहले से लगी हुई है फिबोनैकी। अब देखिए ये हमारे पास लेवल बने हुए हैं पहले से, और मैंने ये बोला था आज मॉर्निंग में भी, मैंने ये समझाया था लोगों को, कई सारे लोगों को, कि देखिए पिवोट था, अब मैं इसको थोड़ा पास करके दिखाता हूं आपको, दस मिनट में बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहां कर लेता हूं, पिवोट पर कर लेता हूं, क्योंकि पिवोट आपका इसका ब्रेक हुआ है। अब देखिए इसका पिवोट कहां पर था, इसका जो डे का पिवोट है, पूरे दिन का पिवोट एक बार मैं मार्क कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं, देखिए डे का इसका पिवोट कहां पर है, इसका डे का पिवोट ये है, मैं इसको एक बार रेड कलर से ले लेता हूं, थोड़ा मोटी लाइन ले लेता हूं जिससे आपको पता लग जाए, ठीक है, ये इसका डे का जो पिवोट है वो ये है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी थी, यस, तो देखिए क्या हुआ, अब मैं इसको 10 मिनट में ले जा रहा हूं, मैंने मॉर्निंग में जब बात की थी तो मैंने ये मॉर्निंग में बोला था कि जो आपका गोल्ड है ना, ये देखिए इसकी लाइन कहां पर आ रही है, पिवोट की लाइन है ये वाली रेड वाली, हमने अभी एक दिन में देखा, और पिवोट हुआ इसका ब्रेक, पिवोट ब्रेक हुआ, तो अब हमारे पास लेवल कौन सा बनता है इसका नीचे आने के लिए, और मैं पास में करके दिखाता हूं, तो आपके पास गया कहां मॉर्निंग से, मॉर्निंग से आप चेक कीजिए, आज सुबह मॉर्निंग से, ये 13 तारीख है, आज देखिए सुबह मॉर्निंग में कहां पर बाय हुई थी, हम इसकी चेक करते हैं, ये मैं इसका लेवल चेक कर रहा हूं कि मेरा देखिए कौन सा लेवल था, ये 37669, देखिए यहां से आई थी इसकी बाय 37669, ये एक बाय थी इसकी मॉर्निंग में, और मैं दिखाता हूं मैंने बाय कहां पर ली है, सबसे पहले मेरी बाय कहां पर थी 37681, आई थिंक एग्जैक्टली ये थी मेरी इसकी बाय 681 से 696, हम इसको देखते हैं 681 कहां पर आता है, 681 यहां कहीं पर, और 96 कहां पर आता है, मैंने इस जगह से इसकी बाय ली थी पिवोट के ऊपर से, देख रहे हैं अंदाजन, और इसकी बाय मैंने 96 तक ली थी, 96 तक मैंने इसको अराउंड यहां तक केवल इतना छोटा मूव लिया था, देखिए मैंने दोबारा का मूव लिया था, देखिए दोबारा मूव भी हम चेक कर लेते हैं, मेरा जो दूसरा मूव था गोल्ड का वो 738 से 765, ये भी हम मूव देख लेते हैं,
738 से मेरा इधर आया था मूव, 738 से 765 ये था, ये वाला नहीं था, ये 738 से और 765 ये मूव गया था, मैंने इस मूव को कैच किया था, देख रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये क्या है, हमारे पास सिंपल सा हम ये देख रहे हैं कि अभी इस समय क्या हो रहा है, ये गोल्ड के अंदर हमारे एक लेवल ब्रेक हो रहा है, और मैं इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लेता हूं, एक घंटे पे पता लगेगा, क्योंकि 10 मिनट में एकदम एग्जैक्टली नहीं समझ में आता। तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये अगर मैं लेवल टू लेवल बात करता हूं, तो देखिए ऊपर के एक लेवल से यहां से गिरना शुरू हुआ, और ये आपका 38,000 था, यहां से गिर के आपका ये पिवोट था, पिवोट को इसने ब्रेक किया, और पिवोट को ब्रेक करने के बाद अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे आ रहा है। इसका मतलब गोल्ड अगर मैं लेना चाहता हूं तो मैं कहां पर लूंगा, यस गोल्ड कहां पर लिया जाएगा, गोल्ड लिया जाएगा इस जगह पर 743, ठीक है। नीरज जी सुबह में पूछ भी रहे थे कि कहां तक आएगा, तब मैंने बोला था ये आपके पास अभी भी नीचे है, और अभी भी देखिए क्या हो रहा है, अभी भी ये एक पिवोट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर मैं इसका नीचे का लेवल लेता हूं तो कम से कम यहां तक मेरे पास है, 332 तक हो सकता है, और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो एक लंबा डाउन आपको ये देखने को मिल सकता है, वो आपके पास अंदाजन 36,800 का हो सकता है एक डाउन। तो अभी इसका बाय नहीं आया, सेल आ रखा है। गोल्ड में हम चेक कर लेते हैं कि गोल्ड में हमारे जो बायर सेलर वो क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बायर नहीं होते। अब देखिए बायर आपका 1600 है और सेलर आपका 2100 है, इसका मतलब सेलर बड़े हुए हैं, और आप यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर हो क्या रहा है। मैं 5 मिनट में अब आपको करके दिखाता हूं कि 5 मिनट में गोल्ड में अब क्या हो रहा है, क्या बाय आ रही है हमारी, क्या बाय हमें मिलती है गोल्ड के अंदर। अब देखिए ये एक इस जगह से एक बाय आ रही है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एक बाय, लेकिन मैं यहां पर बाय लेना पसंद नहीं करूंगा, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन मैं यहां पर बाय लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि एक लेवल पर नहीं है, पहली बात ये लेवल पर नहीं है, दूसरी बात ये जो आपके पास जो सेलर है वो थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है ये आपका पिवोट तक अभी चले जाए, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो आपके पास 683 का हो सकता है, यहां पर मूवमेंट हो सकता है। अब हम इसको एक स्ट्रेटेजी में चेक कर रहा था, वो मैं स्ट्रेटेजी आपको भी बता देता हूं, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये मेरा पिवोट लगा हुआ है और मैं इसको अब डबल उसमें ले रहा हूं, छोटी सी एक स्ट्रेटेजी है गोल्ड के साथ में, हम काम कर सकते हैं उसके साथ बहुत आराम से, मॉर्निंग में मैंने उसके साथ काम किया भी है। इसमें डबल अगर मेरे भी चार्ट खुल जाते हैं, नेट स्लो है तो अगर डबल चार्ट खुलते हैं तो मैं आपको गोल्ड दिखाता हूं अभी कि गोल्ड के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। गोल्ड के साथ बहुत आसान है काम करना, और ये मैंने 2 टाइम फ्रेम खोले हैं गोल्ड के साथ काम करने के लिए, मैं 2 टाइम फ्रेम खोल रहा हूं, मतलब 2 चार्ट खोल रहा हूं, मल्टीपल चार्ट खोल रहे हैं, और अभी मैं कि बाय आ गई कि, इस चीज को मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बाय आ गई या नहीं। अपने यहां पर स्टिल हो रखा है इस लेवल पर, अभी अगर ये ब्रेक करेगा तो बहुत लंबा ब्रेक कर सकता है, इसलिए क्रूड को भी हम अभी 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, और मैं गोल्ड को भी अभी यहां से हटा रहा हूं ये चीज, और अभी आया है, देखिए ये गोल्ड है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका बाय एक आया था मेरे पास, देखिए ये मैंने लेफ्ट साइड में एक नॉर्मल चार्ट लगाया है, बिल्कुल नॉर्मल चार्ट, ठीक है, और मैंने राइट साइड पर अपने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हैं, वो भी 10 मिनट पर है, ये भी 10 मिनट पर है, ये भी 10 मिनट पर, ये भी 10 मिनट, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और देखिए अब 10 मिनट में क्रूड गिरना शुरू हुआ था, मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, 10 मिनट में क्रूड गिरना शुरू हुआ था, ठीक है। मैं आपको रीडिंग दिखाता हूं, रीडिंग टू रीडिंग, ये आपके पास सेल कब से आ गई थी 10 मिनट में, अंदाजन यहां से 37,791 से, और ये कितना है 37,800,
37,791 अंदाजन आपके पास आता था, ये यहां से एक सेल आ गया था, देख रहे हैं, इस जगह से मेरे को एक सेल मिल रहा था गोल्ड का, और आप इसका सेल चेक कर सकते हैं 37,000 से ये कितने तक आया है, पूरा सेल, कंप्लीट सेल स्ट्रेटजी के साथ में, और देखिए कहां तक आया, ये आपका आया है 37,587 अंदाजन यहां तक, क्लियर। आप देखिए इसका बाय आया था गोल्ड का बाय, हाँ नीरज जी सुन रहे हैं आप, हाँ नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना अभी, ये इसको चेक कर लीजिएगा गोल्ड को, गोल्ड की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है ये काम करने के लिए, ठीक है, बाय सेल लेने के लिए बहुत अच्छी है। देखिए इसका बाय आ चुका है ये, देखिए अभी हम कितने पॉइंट का बाय ले सकते थे, अभी हम इसमें कितने पॉइंट का बाय ले सकते, देखिए अभी बाय चल रहा है, आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं और यहां पर भी चेक कर सकते हैं कि इस जगह इस समय इसका बाय चल रहा है, देख रहे हैं, और बाय मेरा कहां से आ गया है इसका, मैंने 10 मिनट में चार्ट ये भी लगाया हुआ है, 10 मिनट में चार्ट ये भी लगाया हुआ है, मेरा बाय कहां से आ गया है इसको आप यहां पर चेक कर सकते हैं, 37,593 से मेरा बाय आया है, और इस पर मैं मार्क कर देता हूं 37,593 आपका आ गया, ये इस जगह से मेरा एक बाय आया हुआ है, मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूं आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं मैं, 37,593 ये आया, यहां से मेरा एक बाय बन गया था, आप यहां पर चेक कर सकते हैं, और अभी भी बाय चल रहा है, ये बाय दे चुका है पूरे सेल के बाद में, और मैं अगर यहां से बाय ले लेता हूं, देखिए मेरे इंडिकेटर भी मेरे को क्रॉस ओवर दे रहे हैं पूरा बहुत अच्छी तरह से, और मैंने इसको अब यहां से लिया है, और ये मेरा जो पड़ रहा है मेरे को ये कहां से आ रहा है, अंदाजन 93-94 से ये बाय है इसकी, 93-94 से और अभी तक कितना बाय मेरे को मिल चुका है मैं ये देखना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं अपने मोबाइल में कैलकुलेट कर लेता हूं इसको, बजाय मैं उसको ओपन करूं सिस्टम को, ठीक है, देखिए अभी इस समय कितना चल रहा है ये 37,666, ठीक है, ये 37,666 अभी भी बाय है, ठीक है, 675 अभी भी बाय है, मैं इसको कर रहा हूं 675, देखिए अभी भी बाय में चल रहा है, अभी भी सेल नहीं आया, इतने पॉइंट आप ले सकते थे, माइनस अगर मैं करता हूं कहां से आपके पास बाय आया है, बाय आया है 5,393 माइनस 37,593, कितने पॉइंट का मूव है, 82 पॉइंट का, 82 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना देते हैं, 820 रुपए, यस बिल्कुल एक सही सोची समझी बाय है, देखिए पूरा सेल आया हुआ था, ये पूरा बाय था, हमने बाय यहां से लिया, ठीक है, मैं गोल्ड का भी आपको बाय लेके नहीं दिखा रहा हूं जानबूझकर, ठीक है, और अभी भी देखिए बाय है, जब तक ये सेल में नहीं आएगा आप इसको सेल लेंगे ही नहीं जब तक आपको रेड ना दिखा दे, देखिए नीचे आ रहा है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, गोल्ड के साथ में है, ठीक है, गोल्ड आपके पास आपको पता है महंगा है, 37,600-37,700 का चल रहा है ये इस समय, तो गोल्ड के साथ काम करना आसान काम नहीं है, क्रूड के साथ एक बार तो आसान हो सकता है, उसका रीजन है क्योंकि क्रूड जो है वो आपका डेली आपका 100-200 पॉइंट मूव नहीं करता, मुश्किल से 100 पॉइंट मूव करेगा क्रूड, लेकिन अगर आप इसका मूवमेंट देखते हैं गोल्ड का, तो गोल्ड का मूवमेंट अगर मैं एक दिन का देखता हूं आज का, देखिए अभी भी इसने सेल नहीं दिया मेरे को, बिल्कुल आपके सामने चल रहा है, अभी मेरे को यहां पर इसने सेल नहीं दिया है और यहां पर मेरा एक बाय है, देखिए बिल्कुल सामने चल रहा है, मेरे को यहां पर सेल लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को सेल दिया ही नहीं है इसने, मैं आराम से बैठा हूं यहां पर, और देखिए कितना हो गया 65, ये कितना चल रहा है देखिए 65 पहुंच गया है, 63 पे चल रहा है, और अभी भी मेरे पास सेल नहीं आया, देख रहे हैं ये 63 आ गया, मेरा कोई सेल नहीं है अभी, जैसे ही मेरा सेल आएगा तब मैं सेल लूंगा, अदरवाइज का सेल ही नहीं लूंगा मैं, आपका लाइव चल रहा है इस समय, और गोल्ड की स्ट्रेटेजी है, गोल्ड की स्ट्रेटेजी लाइव चल रही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं गोल्ड की स्ट्रेटेजी लाइव के साथ में, ठीक है, ये गोल्ड मेरा बाय चल रहा है, गोल्ड बिल्कुल बाय आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने ही बिल्कुल बाय है ये, और इस समय बाय चल रहा है, मैंने आपको प्लेन चार्ट नेकेड चार्ट भी दिखा दिया है और मैंने आपको एक स्ट्रेटेजिक चार्ट भी दिखा दिया है, देखिए क्लाउड से बाहर निकल रहा है, क्लाउड से बाहर निकल रहा है, और देखिए अभी भी मेरा सेल नहीं आया,
आप स्ट्रेटेजी को चेक कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी में देखिए, अब मेरा एक सेल आया, मैं यहां से आउट होता हूं, क्लियर। मैंने मान लिया कि मेरा ये सेल आ गया, हालांकि अभी सेल नहीं है, जब तक इससे नीचे नहीं आएगा मैं इसको सेल नहीं बोलूंगा। ये देखिए सेल आया, कब तक आया सेल, ये मैंने यहां पर आउट किया था अपने आप को, कितने पर था ये इस समय कितने पर है, ये चल रहा है, देखिए अभी भी प्रॉपर सेल नहीं है, पर मैं इसको यहां आउट कर लेता हूं, ये मेरे पास कितना आ रहा है 60। तो आपने कहां से लिया था, 93 से अराउंड 60 वो और 7 पॉइंट ये, तो 67 पॉइंट आपने लिए हैं गोल्ड के अंदर डायरेक्टली। 67 पॉइंट का मतलब 670 रुपए आपके होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली आपका सामने सामने मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये आपका बाय था और देखिए अब इसका सेल आया है। और चलिए मैं सेल की बात करता हूं, मैंने ये अपना सेल उठा लिया, देखिए सेल मैंने कहां से उठाया, बिल्कुल स्ट्रेटेजी के हिसाब से 60 से मैंने सेल उठा लिया, क्लियर। चाहे आप बाय साइड में जाएं चाहे सेल साइड में जाएं, आपने सेल उठा लिया 60 से, अभी कितना चल रहा है 49, 10 पॉइंट ये आप आ रखे, ठीक है। चेक करते हैं हमारा नीचे कितना आता है अभी, ये देखिए मेरे इंडिकेटर ने भी मेरे को सेल बोल रखा है, ये मेरे को इंडिकेटर ने सेल बोल रखा है, देख रहे हैं कितना चल रहा है अभी। चेक करते रहते हैं हमारा नीचे कितना आ रहा है, जब तक हमें ये इंडिकेटर नहीं बोलेगा कि हमारी बाय आ रखी है तब तक हम नहीं लेंगे। हमने बाय ले चुके हैं इस समय, बाय का सेक्शन हमारा खत्म हो गया, अब हम सेल में चेक कर रहे हैं, सेल अभी स्टार्ट हुआ है, हम सेल चेक करना चाहते हैं कि सेल कितना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको बड़े टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हो कि बड़े टाइम फ्रेम में अभी इसका सेल आया है कि नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि 15 मिनट में क्या हो रहा है, तो मैं 15 मिनट में इसको देख सकता हूं कि मेरा सेल आया कि नहीं आया 15 मिनट में, ठीक है। कभी कभी छोटा टाइम फ्रेम आपको कभी धोखा दे भी सकता है, इसलिए थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम आप जरूर चेक करें। ये देखिए क्या हुआ, बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देखिए सेल था, बहुत बहुत प्यारा सेल था, और उसके बाद ये अब एक बाय आया है, और ये बाय कहां तक अभी देखिए, छोटा टाइम फ्रेम में बोल रहा है सेल के लिए, हम वेट कर रहे हैं सेल की, ठीक है। लेकिन हमें बड़ा टाइम फ्रेम अभी बाय देने की कोशिश कर रहा है, और वो बाय आपके पास 51 से अंदाजन 692 तक की कोई बाय हो सकती है, लेकिन हम क्योंकि 10 मिनट पे अभी रिलाई कर रहे हैं, हम 10 मिनट का इंडिकेटर चेक कर रहे हैं, तो मैं 10 मिनट के इंडिकेटर पर अभी आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। 10 मिनट का इंडिकेटर हमारे पास है, हम 10 मिनट का देखिए हमारा टाइम फ्रेम है, और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने अभी जो सेल किया था वो हमारा अंदाजन था कितने पर, हम चेक कर लेते 60 पे हमने सेल किया था। अब सेलिंग पार्ट हम देख रहे हैं हमारा अभी तक कितना चला गया है, जब तक मेरा ये क्रॉसओवर नहीं आ रहा नीचे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, देखिए जब तक ये क्रॉसओवर नहीं है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेल पे बना रहूंगा। 60 से 44 कितने पॉइंट मिल गए, चलिए मैं यहां पर ही निकलने की कोशिश करता हूं, मैं नीचे जाता ही मैं इतना ही पॉइंट ले रहा हूं, कितने हो गए 160 से 40 पे 44 पे आ गए, तो मतलब कितने हो गए अंदाजन आपके पास, अंदाजन 14-15 पॉइंट है, हाँ 16 हो गए, ठीक है 16 पॉइंट अभी चल रहे हैं, और एक हमने 60 पॉइंट का एक बाय लिया है, अभी 60 पॉइंट का बाय हम लेके छोड़ चुके हैं। अगर मैं सुबह से बाय की बात करता तो देखिए हमारे पास बाय आज मॉर्निंग से दिखाता हूं हमारे पास कितने कितने चांस हमारे पास बाय के हमें मिले थे, ठीक है। आज मॉर्निंग से मैं चेक कर रहा हूं, और मॉर्निंग आपके पास जो डेट आज की डेट है 14 बजे भी नहीं, आज ये 13 तारीख है, देखिए 13 तारीख से अगर मैं एक कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन करके रखता हूं, ठीक है, मैंने एक्सेल बनाया, एक्सेल चार्ट बना, मैं एक्सेल में आपके सामने इसको शेयर कर रहा हूं, हम चेक कर रहे हैं हमारे पास कितना कितना हमारे पास आज की डेट में हो सकता था, ठीक है। नीरज जी, हाँ जी नीरज जी, आप हमारे साथ हैं, हाँ जी सर, हाँ जी नीरज जी आप हमारे साथ हैं, वाले में चलिए छोटी सी कैलकुलेशन नीरज जी हमारे लिए कर दें प्लीज, है ना। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आज हमारा गोल्ड के साथ में कहाँ कहाँ काम हो सकता था, बहुत प्यार से, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं केवल बाय साइड ले रहा हूँ, सेल साइड ले ही नहीं रहा हूँ, केवल अगर मैं बाय बाय करता तो मेरे को आज क्या प्रॉफिट गोल्ड के साथ हो सकता था, मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ। देखिए 10 मिनट का हमने टाइम फ्रेम रखा है दोनों जगह पर,
नीरज जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए नीरज जी मेरी बड़ी हेल्प करते हैं मेरी ट्रेडिंग में। तो आज हम नीरज जी से थोड़ी सी एडवाइस ले रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन छोटी सी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे आदमी है कैलकुलेशन में, तो हम चेक करते हैं कि 37,678 से एक हमें बाय मिला था, इसको बस नोट कर लेते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं हमारे टोटल पॉइंट्स कितने होते हैं लास्ट में। करेक्ट, ठीक है। 37,678 से 37,723 मॉर्निंग में एक पॉइंट हमें ये मिला, मैं आपको लिख देता हूँ, 678 से 722। कमी का 722 लिया, ठीक है। एक हमारा ये मिला, दूसरा हमारा बाय, दूसरा बाय हमें मिला 686 से 686 से दूसरा हमें मिला है 764। 764 ठीक है। तीसरा हमें यहाँ पर मिला है 736 से, चाहे तो हम इसमें बने रह सकते थे, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ से आपने अगर बाहर नहीं आए तो सीधा ऊपर यहाँ पर जा सकते थे, या फिर यहाँ से बाय कर लीजिए, यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ कि मेरा जो पार्ट है वो सीधा यहाँ पर जा रहा है, वो कितना है 843, मतलब 843 सीधा। अच्छा, 843, हाँ जी, ठीक है। मैंने तीन ही ट्रेड किए थे और अब जो लेटेस्ट चल रहा है मैं उस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, बाकी सारे ट्रेड मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए, एक मैं सेल भी ले लेता हूँ, सेल अगर मैं लेता तो कहां से कहां तक लेता, ये मैं सेल भी ले रहा हूँ 790 से, 790 से और 610, 790 से 610 180, ठीक है। और एक अभी अभी हमने सेल लिया, बिल्कुल लेटेस्ट अभी का अभी हमने सेल बाय लिया था अभी अभी आपके सामने ही, और ये बाय आपके पास था 607 से और 665 तक, 607 से 665 तक। वैसे तो हमने 93 से लिया था यहां पर मैं उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं, 607 से और 665 तक, ठीक ठीक ठीक। और अभी हमारा लास्ट से कभी सेल चल रहा है जो हमने डाला हुआ है अभी सेल, और वो हमारा स्टार्ट होता है अंदाजन 660 से ही हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और वो अभी चल रहा है। अच्छा, अभी करंट चल रहा है अभी, और हम इसको टेम्परेरी यहाँ पर आउट कर लेते हैं 30 पे ही, 35 पे ही आउट कर रहा हूँ मैं, 30 पे भी नहीं, या 30 भी, देखिए 30 आ रहा, मैं 30 पे छोड़ दिया, मैं मेरे को नहीं पता कितना नीचे जाएगा ये, पर मैं 30 पे इसको छोड़ रहा हूँ। ओके, तो अब नीरज जी हमें 30 पे बताएंगे कि हमारे टोटल पॉइंट 30 पे ही, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अब हालांकि देखिए हमें इंडिकेटर ने नहीं बोला है कि हमारी सेल बाय आई है, देखिए कहीं अभी इंडिकेटर ने हमें ये नहीं बोला कि हमारी बाय है, इसका मतलब ये अभी और नीचे गिरेगा, और आप चेक कर सकते हो, देखिए 26 अभी और नीचे आ सकता है, अभी हमारा इंडिकेटर ने बोला ही नहीं है कि हमारी बाय है, अभी हम आराम से बैठे हैं, क्रूड के साथ में नहीं या किसी स्टॉक के साथ में ही नहीं, हम गोल्ड के साथ में बैठे हैं, गोल्ड सबसे एक्सपेंसिव है अभी, आज ही अच्छे साढ़े चार बैठे हुए हैं, बिल्कुल। आप देखिए ये आपका जो टोटल, आप नीरज जी हमें बताएंगे कि ये हमारा टोटल कितने पॉइंट्स होते थे, लगभग मोटा मोटा 4.5। हाँ, मतलब टोटल पॉइंट्स कितने हो रहे थे नीरज जी हमारे, 4000 प्लस है बताइए, ठीक है, 400। तो ये आपको, हाँ, तो हमारे जो पॉइंट्स थे हमें मिल रहे हैं 400, देख रहे हैं, ये हमने कुछ नहीं किया, केवल हम इंडिकेटर बेस हमने ट्रेडिंग की है और हमने 400 जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर बनाए हैं, देख रहे हैं आप, करेक्ट, ये हमारे पास सिंपल सिंपल आ रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। और देखिए अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इंडिकेटर बेस दिखा रहा हूँ, अभी भी देखिए हमारे पास 15 आ गया है, 15 आ गया है, ठीक है, सेलिंग में हमारे पास 15 आ रखा है, और यहाँ पर आप चेक कीजिए अभी कोई हमारे बाय नहीं है,
नीचे हमारे पास कोई भी यहाँ पर बाय नहीं आ रखी, अभी भी सेल पर है हम लोग। और आप चेक कीजिए क्या हुआ, 10 पे आ गया, यस 10 पे पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए, 6 पे पहुंच गए, बताइए 3 पे पहुंच गए, यस 3 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, अभी भी हमारा क्या कोई बाय आया है? ना। तो 1 पे पहुंच गए, अभी भी हमारा कोई बाय नहीं है। आप यहां पर चेक कीजिए, अभी भी हमारा कोई बाय नहीं है यहां पर। 601 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, 60 से 1 पे वापस, और हमारा अभी कोई यहां पर बाय नहीं है। देखिए कितना हो गया, 601, ये अभी कोई बाय नहीं है हमारा, हम आराम से बैठे हैं, अभी भी आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं, अभी भी हम आराम से बैठे हैं यहां पर। और पूरा स्ट्रेटेजी बेस्ड, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, और अब हम चाहे तो यहां पर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक यहां पर आ रहा है नीचे, यहां पर एक सपोर्ट आ रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि आपको कोई सपोर्ट तो नहीं आ रहा है। हालांकि हमारा इंडिकेटर अभी हमें सेल दे रहा है, देखिए इंडिकेटर अभी भी सेल दे रहा है कि अभी बाय आई नहीं है। जब बाय आएगी, आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि जब कभी भी बाय आई है, ये देखिए, तो इसने हमें क्रॉसओवर दिया है। जब कभी भी सेल आई है तो हमने इसे क्रॉसओवर दिया है इसने हमें। जब कभी बाय आई, पीछे भी हम चेक कर लेते हैं, कभी भी किसी मोड़ पर भी, मैं कहीं पर भी रफ ले रहा हूं, ये देखिए मेरी बाय आई, मेरे को क्रॉसओवर दिया है, ठीक है, ये मेरी बाय आई है, ये मेरी बाय आई है, मेरे को क्रॉसओवर मिला है, ये मेरी बाय, देखिए सब बाय में आए हैं। आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है इंडिकेटर्स का, कोई भी पीछे का, देखिए मैं पीछे का किसी भी दिन का उठा के देख रहा हूं, किसी भी दिन का, ये देखिए यही देख लेते हैं छोटा सा ही, क्रॉसओवर मेरे को मिला है। मैं और देख रहा हूं पीछे, ये देखिए मेरा ये आया था सेल, ये देखिए क्रॉसओवर मेरे को मिला। जब तक मेरे को क्रॉसओवर नहीं मिला, तब तक मैं अपने ट्रेड में बना रहा। अब मैं यहां पर लास्ट में ले जा रहा हूं करंट जो अभी चल रहा है इस समय, और देखिए अभी करंट मेरे को क्या बोल रहा है इस समय, करंट ने क्या मेरे को सेल बाय दे दिया है? नहीं दिया है। अभी देखिए 610 पे चल रहा है, ठीक है, और इसने मेरे को अभी बाय नहीं दिया है, मतलब मैं वेट कर सकता हूं अभी, और भी मैं अभी और वेट कर सकता हूं इसका, अगर मैं चाहूं, और चाहूं तो मैं यहां पर निकल सकता हूं। आप आराम से यहां पर निकल सकते हो अगर आप चाहो तो, जहां पर आपको दिखता रहेगा कि आपका जो बाय है वो इनिशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए अब इसने एक बाय अपना लेना शुरू किया है, लेकिन मेरा यहां पर अभी बाय नहीं आया, मतलब जब तक मेरे को अभी भी मैं वेट कर सकता हूं। देखिए अभी भी मैंने वेट किया क्योंकि मेरे इंडिकेटर ने मेरे को अभी बाय नहीं दिया, मैं अभी और वेट कर रहा हूं। देखिए बाय यहां पर बाय शो कर रहा है, इस जगह पर बाय शो कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर मेरे को कहीं पर भी बाय शो नहीं कर रहा है। देखिए अब ये एक बाय आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहां से आपको निकल जाना है, इस जगह से। आपने कितने पॉइंट पे निकले अंदाजन? इस जगह पर माना मैंने कि आप 23-24 पर निकल गए, 20 ही मान लिया मैंने, ठीक है, 20 पर आप निकले हो। कितने से आप 60 से 40 पॉइंट आपने यहां पर लिए, 40 पॉइंट आपने, और अभी भी देखिए यहां पर क्रॉस ओवर आया नहीं है। मैं क्रॉस ओवर तक इंतजार करूंगा, देखिए अभी भी क्रॉस ओवर नहीं है। मैं अभी और इंतजार कर सकता था, लेकिन चूंकि एक लेवल पर है, उस लेवल पर हम इंतजार नहीं कर सकते ज्यादा, तो हम यहां पर आराम से अपना एक वर्क कर सकते हैं। अगर मैं सेम स्ट्रेटेजी क्रूड पे लगाता हूं, देखिए क्रूड पे लगाता हूं आज, मैं सेम ये मैंने आपको लाइव करके दिखाया, अभी ये पूरा मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, और लाइव में अभी आप देख रहे हैं कि अभी इसने अपना सेल पार्ट नहीं दिया है, हम फिर भी इसको नीचे कर रहे हैं, हमने आपको आउट कर लिया अपने आपको, लेकिन इसने अभी सेल पार्ट हमें नहीं दिया है। जब तक ये मेरे को पूरी क्रॉसिंग ना दे दे और क्रॉसिंग पे रुके ना रहे, तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है नीरज जी? ये बायपास नहीं, अभी हमारा इसने देखिए हम तो आउट हो रहे हैं, ठीक है, हमने किसी भी पॉइंट पे हम आउट हो सकते हैं, हमारा दिल है, हमारी ट्रेडिंग है, हम कहीं पर भी आउट हो रहे हैं, लेकिन इसने अभी हमें बाय नहीं दिया, और बाय तीनों चाहिए मेरे को, बाय तीनों चाहिए। तीनों का मतलब क्या है, देखिए ये क्रॉसओवर आया था, इस क्रॉसओवर में मेरे को ये मिला है नीचे, और इसके साथ में देखिए ये भी 40 से ऊपर गया है, और ये भी 40 से ऊपर गया है, दोनों 40 से ऊपर गए, मेरे को वो क्रॉसिंग चाहिए। देखिए अभी यहां पर क्या हुआ, ये क्रॉसिंग पे आ रहा था, लेकिन ये तो अभी 40 से ऊपर गए नहीं थे, ये तो अभी नीचे ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी हम सेल में बने रह सकते थे आराम से, बिल्कुल बहुत आराम से हम इसको बने रह सकते थे। अभी देखिए अभी क्या हुआ, अभी भी सेल पार्ट है, हम इसको देखेंगे कि हमारा सेल पार्ट कहां तक जाता है,
किस जगह तक हमारा सेल पार्ट जाता है, हम इसको जरूर चेक करेंगे। इसके अलावा अगर मैं इसी चीज यही स्ट्रेटेजी अगर मैं क्रूड में लगाता हूँ, देखिए मैं आपको क्रूड में सेम स्ट्रेटेजी लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दो के साथ में, ये शायद नेट पे ना जाए ये वाला वीडियो, ठीक है, तो इसलिए ये मैंने क्रूड अक्टूबर लिया है और ये मैं इसका नया चार्ट खोल रहा हूँ, सेम चार्ट बिल्कुल, कुछ हमें अलग नहीं करना। मैंने इसको भी 10 मिनट का, इसका भी 10 मिनट का लिया हुआ है, ठीक है। इसको रैंक को आप वन कर लीजिए, क्योंकि वन आपके लिए सही होता है, तो ये मैंने वन किया हुआ, ये देखिए ये चार्ट को चेंज हो जाता है वन में। आप देखिए इस समय क्या हुआ, हमारा इसने कहाँ पर हमें सेल दे दिया था या बाय कहाँ पर दे दिया था, देखिए अभी मैं लेटर देखता हूँ, चलिए पीछे का सब छोड़ देते हैं। क्रूड मेरा कितने पर चल रहा है, मैं 10 मिनट में बात कर रहा हूँ, और मेरा जो क्रूड है वो 920 पर चल रहा है, देखिए, और 920 पर इसने मेरे को क्या यहाँ पर बाय दे दिया, नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, हम आराम से बैठे, मैं यहाँ पर बाय दिया ही नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ कि हो सकता है मेरा जो क्रूड है वो और नीचे जा रहा है। कितने देर में देख रहे हैं आप? मैं 10 मिनट में देख रहा हूँ इसको, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं इसको चेक कर रहा हूँ, और 10 मिनट के बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, करेक्ट, इसने जब छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को बाय नहीं दिया तो बड़े टाइम फ्रेम में कैसे देगा, तब तो नहीं, आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम में अगर मेरे को बाय नहीं मिल रही तो बड़े टाइम फ्रेम में मिलने का तो मतलब ही नहीं है एकदम से। अब मैं अगर इसको एक घंटे में देखता हूँ, इस टाइम फ्रेम को एक घंटा चेंज कर देता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा, क्या मेरे को यहाँ पर अपना बाय मिलता है एक घंटे में, वो तो मिलने का मतलब ही नहीं है वैसे। हाँ जब छोटे में नहीं चल, छोटे में देखिए एक क्रॉस ओवर ये आया था, पहले का आया हुआ है, एक क्रॉस ओवर ये आया हुआ है एक घंटे में, शायद से चेंज हुआ है एक, हाँ भाई आया है, देखिए देखिए सर आई में सेटिंग में लगा रही हूँ उसको, और मैं आपको बताता हूँ नेट शायद मेरा स्लो है, ये देखिए ये आपको 10 मिनट में अभी दिखा रहा है 3920, अभी ये सेल हमारे पास आ रखा है, हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम दे रहे हैं, मैं इसको आधे घंटे या एक घंटे में देता हूँ, तो देखिए हमें क्या बोल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका 5 से 10 मिनट सेल दिखाता है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपका वो बाय है, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखिए इसको एक घंटे में देख रहा हूँ कि एक घंटे में क्या मेरा बाय आ रहा है, देखिए क्या मेरा एक घंटे में बाय है, नहीं है, ये दिखा दो रहा है ना, ये बाय नहीं, ये नीचे देखिए लास्ट वाली कैंडल जो रेड है दिख रही है, ये वाली मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो कैंडल है ये देखिए, ये वाली कैंडल, ये वाली नहीं, ये तो बाय रिजेक्शन हुआ है, और ये जो कैंडल है वो ये वाली है, और ये वाली अभी सेल पर है, ठीक है। दूसरा अगर चलो मैं ऊपर भी छोड़ देता हूँ तो क्या मेरा नीचे क्रॉस ओवर हो गया, देखिए होने की कोशिश कर रहा है पर हुआ नहीं है, नहीं। देख रहे हैं कोशिश कर रहा है पर हुआ नहीं है, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो, देखिए क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, देख रहे हैं आप नीचे आ रहा है आपके पास, अभी हमारे बड़े टाइम फ्रेम में हमारा बाय नहीं आया है, यहाँ पर बिल्कुल बाय नहीं है हमारा बड़े टाइम फ्रेम में, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, मैं इसको वापस छोटे टाइम फ्रेम में लगा रहा हूँ कि क्या हमारा छोटे टाइम, या मैं एक दिन में भी देख लेता हूँ, देखिए मैं आपको एक दिन में भी दिखा रहा हूँ इसको, क्योंकि एक दिन में हमारे पास क्या हो रहा है, मैं इसके रैंकों की सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, वन कर लेता हूँ इसको, जिससे मेरे को ये एक क्या हुआ, वन डे में भी इसका बाय नहीं आया हुआ, और कब से बाय नहीं आया, देखिए इसका कब से बाय नहीं आ रहा है, ये कौन सी लेवल था जब से इसका बाय नहीं आया, इसका बाय अगर आप चेक कर सकते हो अंदाजन 150 से इसका सेल आया था, और 104,150 से सेल से अभी तक इसका बाय नहीं है, अभी तक इसका बाय आया हुआ नहीं है, इसका मतलब अभी मैं इसका बाय लेने से थोड़ा सा रुकूंगा, और बड़े टाइम फ्रेम में भी देखिए अभी मेरे पास जब इसका सेल आया था तो देखिए इसने क्रॉस ओवर दिया था, ये इसने क्रॉस ओवर दिया था बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन हमें उस समय सेल मिला था, ठीक है, जब हमारा बाय आया था देखिए इसने हमें बाय भी दिया था, ये बाय था इसका, बिल्कुल बाय दिया था इसने हमें लेवल से, अभी हमें इसने सेल दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि अभी इसका बाय नहीं है,
पूरे दिन में इसका बाय नहीं आया और कहीं से भी इसका कहीं पर एक क्रॉसओवर नहीं है, मतलब अभी ये और नीचे जा सकता है। और देखिए क्या हो रहा है, ये नीचे नीचे जा रहा है अभी, तो एक हमें डाउन देखने को मिल सकता है, और वो डाउन जो मैं बात कर रहा हूं वो 873 पहला लेवल, और दूसरा लेवल आपके पास अंदाजन जो है मैं जो बता रहा हूं आपको वो है 820 का। तो एक लंबा डाउन देखने को हमें मिल सकता है अभी भी, क्योंकि अभी इसका जो ट्रेंड है वो बाय का नहीं आया। अभी थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे बाय की, कि अगर बाय हमें मिलेगा तो। अभी मैं फिलहाल इसको लगा रहा हूं अभी 10 मिनट में, कि हमारा 10 मिनट में भी क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा दूसरा चार्ट 10 मिनट में चल रहा है, तो मैं इसको भी 10 मिनट में ले रहा हूं। और अभी हमने गोल्ड को चेक नहीं किया, गोल्ड अभी हमारा पता नहीं कहां पर गया होगा, उसको भी हम चेक कर लेंगे अभी गोल्ड को भी। पर अभी मैं 10 मिनट में अभी देख रहा हूं मेरा क्रूड कहां जा रहा है। नेट आज स्लो है, वीडियो थोड़ा सा स्लो बनेगी उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी ये बहुत जरूरी है वीडियो बनना, यहां पर वीडियो बनना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है अभी, क्या आपका बाय आ गया? देखिए बाय आने की कोशिश हुई थी, देखिए बाय आने की कोशिश हुई थी यहां पर, देख रहे हैं, पर ये आ नहीं पाई, रिजेक्शन में चला गया, देख रहे हैं। वैसे भी हमने जो लेना है, मैंने लेवल टू लेवल लेना है, मेरा लेवल ये नीचे है, मेरा लेवल ये नीचे आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा और इंतजार करूंगा। देखिए 909 पे चल रहा है, अगर इसने इस लो को ब्रेक किया, देखिए अगर इसने इस लो को ब्रेक किया 900 को, तो हमारे लिए एक दिक्कत कर सकता है, क्योंकि फिर एक लंबा डाउन ही यहां पर ले सकता है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, 907 पर है ये, हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, हमारे पास कोई पोजिशन नहीं है, आप चेक कर सकते हो, अभी मेरे पास कोई पोजिशन यहां पर नहीं है, क्रूड की कोई भी पोजिशन हमारे पास यहां पर नहीं है। हमें क्रूड की पोजिशन लेने की कोशिश करेंगे, अगर हमें यहां पर कहीं पर बाय मिलेगा तो। अभी हमारे पास यहां पर कोई बाय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्रूड की पोजिशन नहीं ले रहे हैं, हम इसका और इंतजार करेंगे थोड़ा सा। अगर मैं इसको एक दिन पर देखता हूं, मैं क्रूड को एक मिनट एक चीज लगा लेता हूं, मैं क्रूड को यहीं पर देख लेता हूं, एक दिन में मेरा क्या हो रहा है, क्या मेरा कोई कुमो ब्रेक तो नहीं हो रहा है? ये देखिए 5 मिनट में तो कुमो ब्रेक हो चुका, हमने पहले ही चेक किया था, 902 पर आ गया। और कौन सा हमारा लेवल है नीरज जी, देखिए हमारा कौन सा लेवल है, अगर ये नीचे आएगा तो हमारा ये लेवल है नीचे, ये लेवल हमारे पास है जो कि हमें मिलेगा 872 सबसे पहले। देखिए आपके सामने लाइव चल रहा है क्रूड, बिल्कुल हमारे पास लाइव है, बिल्कुल हम लाइव चला रहे हैं इस समय क्रूड, और हम कहां से लेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे कि हम कहां से क्रूड को लेंगे। ठीक धीरज जी आपको ध्यान होगा हमने अराउंड 46-47 पे निकाल दिया क्रूड, ठीक है, और हमने अच्छा किया क्योंकि हमें एक डाउन पता था कि हमारे क्रूड का एक डाउन मिलेगा। मैं क्रूड के बायर सेलर एक बार चेक कर देता हूँ, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव चल रहा है 16 और 22, हमारे पास वही सिचुएशन आ गई है कि वापस क्रूड नीचे गिरने वाला है, क्रूड एक डाउन ले सकता है वापस 900 पे। इसका एक चीज और, इसका पूरे दिन का जो एक पिवोट है वो 900 पर है, ये देखिए थोड़ा सा पास में करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए 900 पे है, तो यहाँ से रिवर्स ही ले सकता है, अगर ये यहाँ से रिवर्स लिया तो यहाँ से एक रिवर्स ले लेगा ये, मेरे को इसके रिवर्स का है कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स ना ले ले इस जगह से। देखिए एक इसका पिवोट है, तो पिवोट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से कोई आपका एक ये रिवर्स ले ले, भले ही यहाँ पर बायर संदर्भ ज्यादा है, यहाँ पर कोई रिवर्स ले सकता है, तो अगर 905 से यहाँ पर लेगा तो हम एक यहाँ से बाय उठा सकते हैं। अगर मेरा 905 से यहाँ पर लेगा, देखिए सामने ही मैं लूंगा इसको, अगर ये 907 यहाँ से एक ले सकता है ये बाय, अगर यहाँ से ऊपर चलना शुरू होगा, मैं इसको अपने इस पर भी चेक करता हूँ, इस पर मेरे को अभी 10 मिनट में बाय नहीं दे रहा, देखिए देख रहे हैं, मैं सारे पैरामीटर में चेक करके देखूंगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पिवोट से ऊपर चल गया तो मैं ले लूंगा, देखो यहाँ पर पैरामीटर में बाय नहीं मिल रहा है पर। हालांकि देखिए बिल्कुल ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लेके ऊपर गया है, ऊपर ही जा रहा है, 18-21 सब कुछ ठीक है ओके, लेकिन मेरे को यहाँ पर अभी बाय नहीं मिल रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ कि अगर मेरे को यहाँ से बाय मिले तो मैं एक बाय, मेरे को मेरे इंडिकेटर्स बाय नहीं बोल रहे हैं, जो इंडिकेटर ले रहे हैं वो मेरे को नहीं बोल रहे कि अभी बाय आ रही है। मैं अगर इसको 5 मिनट में एक बार को चेक करता हूँ,
तो 5 मिनट में क्या बोल रहा है मेरे को, लेकिन 5 मिनट में इसकी बाय आ जानी चाहिए अगर इतना कुछ हो गया है तो। हाँ समझ ठीक है, मैं इसको रैंकों की भी सेटिंग चेंज करके देख लेता हूँ कि क्या मेरी रैंकों की सेटिंग जो है वो गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये देखिए क्या बाय आ गया है, बाय नहीं आया, हमारा बाय अभी पहुंचा नहीं है। मतलब भले ये 908 पे है, ऊपर चला गया है, मतलब 900 से 96 से ये आपके पास 908 आ गया है। देखिए अब हमारी एक बाय आ गई, देख रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं कोई बाय लेगा तो मैं बाय लेने की कोशिश करूंगा कि मेरी बाय आती है तो मैं इसको ले लूंगा। कहाँ पे आ रही है, यहाँ से भी चेक करेंगे, यहाँ से भी हम चेक करेंगे हमारे बाय सेलर में क्या बोलते हैं। 18 और 22 का रेशियो है, बहुत अच्छा रेशियो अभी नहीं है जहाँ से मैं बोलूँ कि मैं इसको ले लूंगा एकदम से, है ना। हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हमारा अभी इंडिकेटर हमें नहीं बोल रहे हैं कि हमारा बाय आ रही है। अगर मेरे इंडिकेटर मेरे को बोलते कि बाय है तो एक बार तो मैं ले लेता। ठीक है, आपको ध्यान है मैंने ऑर्डर खोला भी था देने के लिए पर मैंने लिया नहीं। उसका रीजन है कि मेरे को अभी इंडिकेटर नहीं बोल रहे हैं कि अभी बाय आ रही है, तो जबरदस्ती हम बाय नहीं लेंगे कि कुछ भी आया और हमें बाय लेना है, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, जरूरी नहीं है क्योंकि आज का ट्रेड हमारा पूरा हो चुका है, तो हम वेट करते हैं। अगर आज के ट्रेड में हमें बाय मिलती है तो हम बाय लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। देखिए इंडिकेटर काम कर रहा है अपनी तरफ से, बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिकेटर, आपको दिख रहा है नीचे। ये देखिए आपका इंडिकेटर हमें नहीं बोल रहा है कि ये बाय है, इंडिकेटर हमें कहीं नहीं बता रहा कि ये बाय है, इसलिए हम बाय में रुके पड़े हैं कि हम नहीं ले रहे हैं बाय। बिल्कुल लाइव चल रहा है इस समय, क्रूड भी लाइव चल रहा है, गोल्ड भी लाइव चल रहा है। ठीक है, और जब तक ये नीचे आ रहे हैं तब तक हम एक बार गोल्ड देख लेते हैं कि गोल्ड हमारा क्या बोल रहा है। देखिए गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड कहाँ तक आया, 611 यस 553 तक आया था ये। देखिए अभी भी सेल में चल रहा है, और कितना आ गया सेल में हमारा, कितना था ऊपर ये 610, मैंने चेक नहीं किया था कितना था, 610 यहाँ से बाय कर, 604 चल रहा है। नहीं यहाँ से भी अभी बाय नहीं करेंगे हम, गोल्ड को नहीं करेंगे अभी, गोल्ड को हम बाय नहीं करेंगे बिल्कुल भी अभी। ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं, मैं नहीं मना कर सकता, लेकिन जैसे क्रॉस ओवर आया है यहाँ से हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है आराम से, या नीचे का स्टॉप लॉस होगा। देखिए अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, ठीक है, तो गोल्ड यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो तब लेना हमेशा। मतलब आपका कहाँ से बनता है, 627 से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये इसका एक बाय आ रहा है यहाँ से, अब देखिए ऊपर से यहाँ पर सेल हमने दिया था 60 से लेके 600 तक ही आया, 60 पॉइंट का सेल था। अब ये एक बाय हमारे पास आ रहा है, लेकिन अभी पूरा क्रॉसओवर हमें नहीं मिला है, देख रहे हैं पूरा क्रॉसओवर नहीं मिला है। और दूसरा इसने अपने ये पिवोट को ब्रेक किया है, ब्रेक करके रिजेक्शन मिला है इसको, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि नीचे जा रहा कि ऊपर जा रहा, क्योंकि पिवोट पर है। करेक्ट, थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे इसकी, एकदम से हम बाय नहीं लेंगे अभी भी। देखिए बाय नहीं दे रहा है अभी, रिजेक्शन में जा रखा है अभी, अभी वेट कर रहे हैं हम कि बाय है कि नहीं है। गोल्ड में हम वो देख लेते हैं कि गोल्ड में हमें बायर सेलर में क्या बोल रहे हैं, 15 और 2000 मतलब ही नहीं होता कि लेने का एकदम से गोल्ड को, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम गोल्ड की, तब तक हम अपना क्रूड देख रहे हैं कि क्रूड हमारा कहाँ पर जा रहा है। इस समय जा रहा है क्रूड 906 पर, और लाइव चल रहा है इस समय क्रूड, और हम अभी बाय लेने के लिए तैयार नहीं है क्रूड की। 906 907 पे भी, 970 से गिरा है, 907 गिर चुका है, लेकिन हम इसको बाय लेने को रेडी नहीं है अभी भी। ठीक है, बाय हम नहीं ले रहे हैं इसकी, थोड़ा सा रुक रहे हैं। और ये देखिए 908 अब चूंकि हमारे लेवल पर है, देखिए अब इसको हम कैसे बात कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे बात कर सकता हूँ कि अगर मेरा यहाँ पर मैं पिवोट लगाता हूँ अपने, देखिए मैंने यहाँ पर पिवोट लगा दिए, मेरा पिवोट कहां पर आ रहा है, देखिए बाकी सब छोड़ दीजिए, आपका ये पिवोट यहां से, ये जो पिवोट था ये ब्रेक हुआ था 940 पर, और 940 पर ब्रेक होके ये नीचे आया,
तो इसका नीचे का आपका सपोर्ट कहां पर बन रहा है? नीचे का सपोर्ट कम से कम 874 पर है। इसका मतलब ये एक नीचे डाउन 874 तक का ले सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि 874 का एक डाउन ले ले। क्यों? देखिए क्या हुआ, यहां पर जो क्रूड है इसके 18 और 21 का रेशियो है, मतलब अभी सेलर ज्यादा है, एक डाउन ये ले सकता है। तो हम अपनी पॉसिबिलिटीज लगा रहे हैं कि कितना डाउन ले सकता है अभी, और इसका जो डाउन है वो आपका कितना हो सकता है, अंदाजन 872 का एक डाउन हो सकता है, और अगर इसने पूरा प्रॉपर लिया तो आपका 843 का एक डाउन हो सकता है, मतलब 850 का। क्लियर हो गया? 843 का एक डाउन हो सकता है। चलिए मैं एक ऑर्डर यहां पर लगा के छोड़ता हूं अक्टूबर का बाय 843 पर, 843। देखिए सामने ही मैं ले रहा हूं, जब भी ये मेरे को मिलेगा तो मैं 843 पर इसका एक MIS ले लूंगा। ये देखिए मैंने ऑर्डर लगा दिया है 843 पर, मेरा बाय है 843 पर, मेरा बाय है मैंने लगा दिया है। 756 पर मेरा दूसरा बाय है, और मैंने इस बाय को इनिशिएट कर दिया है। 904 अभी चल रहा है, अगर ये नीचे टूटा तो ये 50 पॉइंट का डाउन लेगा अंदाजन, और 50 पॉइंट का डाउन हमारा जो बनता है 873 पहला टारगेट। ये देखिए नीचे आना शुरू हो गया है, ये देखिए 902 नीचे आना शुरू हो रखा है, ये और नीचे आ सकता है, हम इसमें ट्रैप नहीं होंगे। और गोल्ड देखिए, गोल्ड मैंने बोला था, देखिए यहां पर देखिए आ गया ये एक बाय। जब भी कभी आपको बाय मिलने ले ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए यहां पर आपने बाय अगर लेते 617 पे, और इस समय कितना चल रहा है 640, आप इसका मूवमेंट चेक कर सकते हैं। अभी भी देखिए ऊपर, मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला जब कभी भी ये कैंडल से ऊपर गोल्ड निकलेगा, इस कैंडल से ऊपर अंदाजन कितना है 28 से ऊपर अगर निकल गया तो आप एक बाय ले सकते हैं। देखिए यहां से आपने बाय लिया हुआ है, और अभी बाय में ही है, अभी सेल में नहीं आएगी, जब सेल में आए आप बाहर आ जाइए। ठीक है, चलिए क्रूड देखते हैं दो मिनट के लिए, जब तक ये चल रहा है 901 पे आ गया है, ये एक डाउन ले सकता है क्रूड। अभी भी देखिए हमारा इंडिकेटर हमें कहीं पर भी बाय नहीं बोल रहा है, कहीं कोई बाय नहीं है, 900 आ गया पर इंडिकेटर हमें कहीं पर भी कोई बाय नहीं बोल रहा है कि हम बाय ले लें। हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्रूड की हम लोग वेट कर रहे हैं, क्रूड की क्रूड हमारा कहां तक जा सकता है और नीचे कहां पर आ सकता है, हम वेट कर रहे हैं। और देखिए अभी भी 900 पे आ गया है, हम बाय लेने को तैयार नहीं है। रीजन, क्योंकि हमारा इंडिकेटर हमें बाय बोल ही नहीं रहा है। मैं 10 मिनट में इसको लगा लेता हूं, इंडिकेटर हमारा कोई हमें बाय नहीं बोल रहा है, 10 मिनट पे भी बाय नहीं बोल रहा है। देखिए मैं 10 मिनट पे लगाया हुआ, 97 आ गया, 97 आ गया, मगर हमारी बाय नहीं है। 90 देखिए 99 पर चल रहा है, पर अभी हमारी बाय नहीं आई है क्रूड की, क्रूड की बाय अभी हमारी दूर है। अभी हम देखते हैं हम इसको कहां पर ले सकते हैं। 850 पर मैंने अपना एक लेवल लगाया हुआ है, ठीक है, अगर मेरे को पहला मेरे को लेवल मिलेगा तो 843 पर मेरा एक बाय मेरे को मिल जाएगा, अगर उतना नीचे गया, क्योंकि 900 पर मैं रेडी नहीं हूं इसको लेने के लिए, क्योंकि बायर सेलर का रेशियो भी बहुत ज्यादा है, सेलर ज्यादा है बायर कम है, इसका मतलब क्रूड अभी नीचे गिर सकता है। गोल्ड अभी हमने देखा, गोल्ड आपका बाय और सेल कहां कहां पर लिए उसने, अभी कहीं पर भी हमें बाय नहीं मिल रही है इसकी, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और बायर सेलर इसके अगर देखते हैं तो 18 और 21 का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी आप नहीं ले सकते। एक डाउन ये मार सकता है अंदाजन 875 का, और अगर वहां से टूटा ये तो आपका अंदाजन आपका दूसरा जो लेवल है वो 843 का लेवल है। 843 पर मैंने लगा के छोड़ा हुआ है इसको, अगर ये वहां पर मेरे को मिल गया तो हम ले लेंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है अभी इस जगह पर, देखिए देख रहे हैं यहां पर एक बाय दे रहा है, बाय इसने दिया है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कहां पर आप लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एकदम से यहां पकड़ा और बाय ले लिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये इसका पिवोट है, ये इसका पिवोट है, और ये पिवोट देखिए ब्रेक हो रखा है, ये पिवोट ब्रेक हो रखा है, देख रहे हैं, और इस लेवल से ये ऊपर नहीं जा रहा है। तीन कैंडल हो चुकी है 10-10 मिनट की, इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है, और आप यहां पर भी चेक कीजिए इस कैंडल से ऊपर नहीं जा रहा है यहां पर, और इसने इसको ब्रेक करके रखा हुआ है नीचे। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि ये डाउन ले सकता है यहां पर, यहां तक का कम से कम 510 तक का, 510 तक का एक डाउन यहां पर आपको मिल सकता है इस जगह पर। तो थोड़ा सा यहां पर कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है जब भी कभी किसी सपोर्ट पर होता है कि आपको बाय दे रहा है कि सेल दे रहा है। ये देखिए
देख रहे हैं, एक ही आपको डाउन मिल रहा है। आप अगर इसको बाय लेंगे तो नीचे से लेंगे 509 से, अभी डाउन है इसका, एक लंबा डाउन है, लंबे डाउन के बाद आप इसको लेंगे। हम क्रूड में काम करते हैं इसलिए हमें पता है कि कितना नीचे जा सकता है। देखिए अभी नीचे आ रही है 92, 592, देखिए आपके सामने सामने छोड़ रहा है 582। मैं अगर इसको बाय लूंगा भी तो मैं अंदाजन यहां कहीं से लूंगा 511 से, देखिए 581 टूट चुका है, बहुत बुरी तरह टूटता है, आपको पता ही है गोल्ड 581। और ये देखिए, और अगर मैं गोल्ड को एक घंटे में लगाता हूं या एक दिन में लगाता हूं, एक दिन में मैं आपको लगा के दिखाता हूं इसको, एक दिन में देखिए क्या हो रहा है, एक दिन में हो ये रहा है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, एक दिन में देखिए ये अपने पिवोट को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, और अगर ये अपने स्पीड में नीचे गिरा तो ये आपको 35,000-36,000 पर मिलेगा क्रूड, ये गोल्ड बीच में एक लेवल इसका ये है 36,635 का, अदरवाइज जो गोल्ड है आपको मिलेगा 36,000 पर, 36,000 तक नीचे गिर सकता है बहुत आराम से ये गोल्ड, इसलिए अभी इसको बाय करना सही नहीं है, इसको हम थोड़ा सा और गिरने देते हैं, किसी लेवल पर सपोर्ट पर आने देते हैं, तब हम गोल्ड को इसको बाय करेंगे यहां पर, अदरवाइज थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है। क्रूड देख लेते हैं, क्रूड क्या बोल रहे हैं हमें, 907 पर है और अभी हमारी बाय पोजिशन नहीं आ रही है, बायर सेलर हमारे 19 और 21 है, नहीं अभी भी लेने के लिए हम रेडी नहीं है इसको, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं लेने के लिए, थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, क्लास हमारी लंबी हो जाएगी आज के लिए, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन हमने नीचे लगाया हुआ है उसको 843 पर, अगर 843 पर नीचे आया तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्लियर। तो आज की हम मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।